हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाना सिखा रहे हैं फेस मास्क। तो इसके लिए सबसे इजी स्टेप है कि आप पहले इसका पैटर्न बना लें। पैटर्न बनाने के लिए आपको एक थोड़ा सा मोटा पेपर चाहिए, जिससे कि आप इसको कपड़े के ऊपर रख के ईजिली कटिंग कर सकें। अब आप स्केल की एक स्केल ले लीजिए और उससे इसका मेजरिंग कीजिए। हाँ, कितना इंच? ये 18 सेंटीमीटर। आपने इस एक लाइन ले लेनी है यहाँ पे। और ये 15 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने एक बॉक्स बना लिया है। दोनों साइड 18 सेंटीमीटर और इसकी यहाँ पे 15 सेंटीमीटर लिया है हमने। तो ये हमने इसका पैटर्न तैयार किया है। इसमें हमने किया है इसकी हाफ लंबाई, इसको हाफ किया है 18 को 9 में पॉइंट लगा के। 3 सेंटीमीटर यहाँ और 4 सेंटीमीटर यहाँ का निशान लगाना है। और इसको 5.5 की विड्थ लेनी है। इसको इससे बाकी सबको मिला देना है। 5 सेंटीमीटर नीचे आके लाइन खींचनी है। इसको 3 सेंटीमीटर से यहाँ मिलाना है और बाकी इसको गोलाई में कर्व बनाना है। यहाँ से ये आपका मास्क का पैटर्न बनके रेडी हो जाएगा। इसको आप इजीली पेपर पर रखकर कटिंग करेंगे और बनाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होके परफेक्ट मास्क बनेगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने कॉटन का फैब्रिक लिया है, जब 4 लेयर्स। इसको हाफ फोल्ड करा है और इस हाफ को भी हाफ फोल्ड किया है। ये 4 लेयर लेना है। अब इसके ऊपर उस पैटर्न को रखना है जो हमने पैटर्न तैयार किया था। ये इस तरह से प्लेस करना है कि ये पूरा से फिक्स हो जाए। बस मार्जिन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि मार्जिन इस पैटर्न के अंदर ऑलरेडी हमने पहले ही ले लिया है हाफ हाफ सेंटीमीटर का। तो आप मार्जिन ना रखें। ये 4 लेयर कटिंग है, देखिए 4 लेयर इक्वल। ये यहाँ देखो, इसके कर्व पे हमें सिलाई लगानी है। इसको हमने तैयार कर लिया है। यहाँ सिलाई लगा के दोनों ही पीस में से सिलाई लगा लेनी है। अब जहाँ हमने सिलाई लगाई है वहाँ छोटे छोटे नॉचेस लगाने हैं, जिससे कि इसको इस कर्व को खोलने में इजी हो जाए। ये देखिए छोटे छोटे नॉच लगाने हैं। ये देखिए ज़्यादा गहरे भी ना लगाए, स्मॉल स्मॉल लगाने हैं। अब दोनों को आपस में इस तरह से मिलाना है। यहाँ से सिलाई लगानी है, स्टिचिंग लगानी है। ये इसकी दोनों साइड से हमने स्टिचिंग लगा ली है। ये देखिए यहाँ पे स्टिचिंग कर ली है और यहाँ स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारे पास मास्क में लगाने वाली पतली वाली इलास्टिक है और आप इसको 7-7 इंचेस की काट लें दोनों साइड से। ये देखिए दो पीस 7-7 इंचेस के इक्वल काटने हैं। मास्क इस तरह से सीधा कर लें। देखिए मास्क सीधा हो। ये देखिए मास्क की शेप कितनी अच्छी आई है। इसको अंदर फोल्ड कीजिए 4.5 सेंटीमीटर। मास्क नहीं दिख रहा, तुम्हारे हाथ दिख रहे हैं। इस तरह से इसको अंदर फोल्ड कर लें। इलास्टिक को प्लेस करें दोनों साइड के कोने में।
और स्टिच कर दें। ये देखिए मास्क बनके तैयार हो गया है। आप इसको दोनों तरफ से पहन सकते हैं। कॉटन का मास्क है, इजीली वॉशेबल है, कंफर्टेबली आप इसको पहन सकते हैं, घर में बना सकते हैं। कितना कंफर्टेबल, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।